हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पीवी पब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सुंदर सा घाट, और मैं आवा उसको उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, सब बात बताऊंगा कि आप कैसा कैसा दिखता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक उगता हुआ सूरज, जो सुबह सुबह गंगा के किनारे देखने को मिलेगा। आप सब देख सकते हो, तो देखो। देखो भाई, यहाँ हर तरह की व्यवस्था है, हर तरह के लोग हैं यहाँ। देखो यहाँ चौकीदार की व्यवस्था है, देखो यहाँ घूमने की भी व्यवस्था है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ उगता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग का ये सीन आपको कितना अच्छा लगेगा। देखो भाई, ये नीचे उतरने की जगह है, हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, तो हम सीढ़ियों से भी निकल उतर सकते हैं। देखो भाई, ये इतना सुंदर लग रहा है मुझे देखने में भी। अभी मैं आपको एक एक करके वन बाय वन सब चीज़ दिखाऊंगा इस घाट की। कितनी प्यारी प्यारा घाट है ये। ये घाट अनूप शहर में थोड़ा हट के, अनूप शहर में ही है, मतलब अनूप शहर से थोड़ा साइड में। तो आप देख सकते हो ये सूरज है उगता हुआ बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे होंगे। और देखो यहाँ उतरने की भी नहाने की भी पूरी व्यवस्था है, पर अब ऐसा कुछ है नहीं अभी इतना। यहाँ लोग आते नहीं है क्योंकि ये दूर पड़ता है ना थोड़ा, इस वजह से यहाँ लोग आ नहीं पाते। इस वजह से मैं सुबह सुबह आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि उगता हुआ सूरज कैसा लगता है। तो मैं आगे दिखाता हूँ, देखो यहाँ, देखो चौकीदार भी पूरा मतलब प्रोटेक्शन रहती है, अभी भी घूम रहे हैं। देखो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ अभी। चलो हम आगे चलते हैं। देखो और भाइयों, इतना प्यारा लगता है अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम आप यहाँ आओ और योगा वगैरह करो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो गंगा का किनारा और ऊपर से फिर ये इतना अच्छा घाट। तो हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान जी की भव्य मूर्ति जो इतनी बड़ी है। वो भी अभी मतलब कुछ दिन पहले ही उसका निर्माण हुआ है, ज़्यादा दिन पहले नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उस निर्माण हुए हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलो जब तक गंगा जी ही देख लेते हैं कितनी प्यारी लग रही है बहती हुई। ये घाट जो बना है ये अभी 2014 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी और ये अभी आके कंप्लीट हुआ है। और इसके सामने एक हर हर महादेव मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है, उसी के सामने ये घाट है। तो वो मंदिर और इसका निर्माण थोड़ा उसका पहले हुआ था, इसका थोड़ा बाद में हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद। और अगर यहाँ कुछ आपको धर्मशाला वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे, अगर आप धर्मशाला वगैरह में रहना मतलब आप आते हैं तो धर्मशाला मतलब कपड़े वपड़े चेंज करने का पूरा पूरा मतलब पूरी सुविधा है यहाँ। और यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो हम आगे आपको दिखाते हैं हनुमान जी की भव्य मूर्ति। देखो अच्छी लग रही है। आज मैं सुबह सुबह उठ के इसी वजह से आया हूँ जल्दी, के मुझे वीडियो क्रिएट करनी है और आप सबको दिखाना है कितना प्यारा लगता है उगता हुआ सूरज। देखो भाई, सुबह सुबह है, 5:30 बजे का सीन है। देखो और मैं दिखाता हूँ ये इसकी वो पूरा बोर्ड वगैरह, और यहाँ लाइटिंग का भी इंतज़ाम है पूरी। अगर रात में आओगे ना तो इतना सुंदर लगेगा रात में। देखो यहाँ लाइट वगैरह सब कुछ है। देखो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो
देखो यहाँ पूरा लाइट वगैरह सब कुछ का इंतजाम है। और देखो देखो जो हनुमान प्रतिमा बनवाई है, इस घाट का नाम है मस्तराम, बाबा मस्तराम घाम गंगा घाट अनुप शहर। देखो हम आगे चलते हैं, आपको एक एक करके बाय वन मैं सब कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको घाट? अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो पसंद ही आएगी, उगता हुआ सूरज इतना प्यारा, गंगा का किनारा, आपको पसंद ही आएगा। तो हम आगे चलते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ धर्मशाला है, सब चीज़ है यहाँ, आप देखना चाहोगे देखो धर्मशाला वगैरह सब कुछ। देखो धर्मशाला, और देखो यहाँ संगीत जो हम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट भी है। देखो ये रेस्टोरेंट, पूरी टेबल्स वगैरह रखी हैं। और देखो यहाँ अगर कोई वैसा आए, मतलब यहाँ भजन कीर्तन, यहाँ मतलब बढ़िया है सब, भजन कीर्तन की भी जगह, पूरी पूरी जगह है, तो आप देख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के यहाँ। सूरज अभी उगा ही है, थोड़ा क्रिएट करके दिखाते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। किस और देखो वहाँ पार्किंग की जगह है, मैं सुबह सुबह स्कूटी पे आया हूँ, इस वजह से मैं जल्दी स्कूटी अभी पार्क करी है मैंने यहाँ पे, देख सकते हैं आप। देखो वो रही मेरी स्कूटी, ये पूरी पार्किंग की जगह है, अगर कोई वाहन वगैरह लेकर आए तो पार्किंग। और ये मैं आपको बता दूं इससे ऊपर भी है। अच्छा ये तो नीचे है, थोड़ा ऊपर से नीचे आना पड़ता है, ऊपर भी पार्किंग है नीचे भी पार्किंग है। देखो यहाँ पानी लगाने की भी पूरी व्यवस्था है, पेड़ पौधे हैं जितने सबको। डस्टबिन वगैरह सब, और देखो यहाँ कितनी साफ़ सफाई है, आप वो चीज़ देखो यहाँ कितनी सफाई है। मतलब देखो यहाँ अगर कोई योगा करेगा, मतलब एक्सरसाइज करे, कितना अच्छा लगता है, और वो भी गंगा जी का किनारा, एकदम यहाँ फ्रेश हो जाओगे आप देख के, आपका मूड। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ चौकीदारों के लिए पूरा इंतजाम है। देखो अंकल घूम भी रहे हैं, मतलब यहाँ फुल टाइम, देखो कितने प्यारे फूल हैं। तो हम आगे चलते हैं, तो मैं एक वन बाई वन आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिख भी रहा है हर हर महादेव मंदिर, देखो ये लिख रहा उधर, या जो क्रॉस का इधर निशान बना रखा है ये उसी का है। तो देखो कितना प्यारा है, और देखो ये ऊपर से कितना सुंदर लगता है, आप देख ही सकते हो, आप कितना। देखो यहाँ पूरा व्यवस्था है चौकीदारों की, देखो एक चेवर है, कुर्सी वगैरह सब कुछ डाल रखा है इन्होंने यहाँ। देखो हम आगे चलते हैं, आपको मैं पूरी वन बाय वन वीडियो दिखाऊंगा पूरी, एकदम इतना प्यारा घाट है ये। देखो यहाँ एक सरस्वती माँ जी की मूर्ति है, सरस्वती, देखो वो भी, उसका भी निर्माण अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, जब इस हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण हुआ था तभी इसी के साथ इनका इस मूर्ति का निर्माण हुआ। तो प्लीज़ भाइयों आगे चलते हैं, मैं आपको गंगा जी दिखाता हूँ पूरी पूरी।
ये देखो क्या नजारा है भाई, ये पूरा चौक है। अगर यहाँ कितने भी लोग आ जाएं वो भी कम नहीं पड़ेंगे गंगा नहाने के लिए। और देखो वो रही हर हर महादेव मंदिर, देखो वो रही गंगे माँ की मूर्ति। अगर मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, इस वजह से ऊपर जाने में टाइम लगेगा और वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं इतना ही दिखा सकता हूँ आपको। तो मैं आगे चल के यही सब दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों इतना प्यारा घाट है बहुत ज़्यादा, और आज सुबह सुबह देखो ये सूखता हुआ सूरज, ये चीज़ देखो आप, देखो ये देखो देखो पंछी चहचहा रहे हैं, देखो